रखते थे कि तानाशाह मीणा और गुजर दोनों एक रोड के गए थे और मीणा एक्चुअली में आते नहीं, हमने उनको वहाँ प्रेरणा दी और उन्होंने संघर्ष छेड़ दिया। मित्रों में मेरा सौभाग्य रहा कि जब उन्होंने संघर्ष किया तब मैं अकेले था। तनल साहब रेल की पटरी और सड़कों पर लड़ रहे थे, मैं विधानसभा में लड़ रहा था, 34 SC के MP MLA थे। उन्होंने कहा गुजर यदि SC में आ गए तो अपना MLA क्या बनेगा, अपनी सीटों का वो भी लड़ेंगे। मैंने कहा ये बहुत सारी बात है, यदि गुजर मीणा दोनों भाई एक जगह आ गए तो हम राजस्थान पर राज करेंगे, ये बिल्कुल हमारी कैसा बात थी। तनल साहब ने उस बात को पूरा किया। मित्रों मैं आपसे संक्षेप में यही कहना चाहता हूँ कि कर्नल साहब का एक सपना था, हमारा एक सपना था कि गुजर भाई एस टी में आवे और वो कहते थे हमारी लड़कियाँ हमारे बच्चे IAS IPS और RF बने, ये तब बनेंगे जब हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। उनके अधूरे काम सपना थे उनको पूरा करेंगे। हमारे डॉक्टर भाई जो बलिदान हुए हैं उनको सती समझानी होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कर्नल साहब के नेतृत्व से आपके बलिदान से और जल्द कार्य कर गई, ये 10% जो रिजर्वेशन मिला है मित्रों, ये सब बेहतर आदमी विजय से ये जल्द कार्य मिला है। पाटोली में मैं मेरे था पाटोली पास मेरा गांव है, वहाँ ये सब पहुंच गए। लोकेंद्र सिंह काबी, रामदास जी अग्रवाल और अरुण सिंह जी, ये उन्होंने सोचा सरकार ने कि यदि कर्नल साहब गुजर जाति को लेकर के हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विश्व आंदोलन कर सकते हैं तो और जाति सुविधा क्या, तो शहर में भरे गलारे करे उतर गए। अब लोग अपने अपने सारे लेते हैं और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अब हमको लड़ाई नहीं लड़ नहीं है, हमको लोकसभा में लड़नी है। मित्रों विजय वेशवा जी अध्यक्ष हैं, उनके परिवार को तो उन्हें भाजपा कौन होते हैं, वो होते हैं जो अपने लिए लेकर दूसरा लेकर के उनका परिवार तो उन्होंने ऊपर ही ऐसा पहुंचा दिया कि हिंदुस्तान निषाद एक ही परिवार है जो इतने पदों पर है। लेकिन सपना परिवार के लिए बोले मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि विजय जयसवाल जी को आप लोकसभा को पहुंचाइए और उनको वो भीषण लेंगे तो हमारा ऐसी लड़ाई लड़ना और रिजर्वेशन आया बिल्कुल तय हो जाएगा। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि जब तक ऐसी नहीं आए आओगे अभी तो लड़ाई और लड़नी है तब तक कर्नल साहब का सपना पूरा नहीं होगा। आपने मुझे बोलिया का धोखा दिया, जय हिंद जय भारत। उस समय हमको दोनों चौकी मिली थी, मीणा ने मुझसे कहा था कि तू ये क्या कर रहा है, तो मुझे पुलिस ने चौकी दी, मेरे गाँव में चौकी लगता हूँ MLA था, कर्नल साहब को चौकी मिली। अब वो चौकी आज भी मौजूद है और लेकिन कर्नल साहब बड़े भी अमर हो गए लेकिन उनका सपना पूरा करना है। ऐसा व्यक्ति तो आज तक हिंदुस्तान में पैदा हुआ न होगा जो कौन 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण के साथ खेलती थी उससे भी बहुत होकर आए हैं। जय हिंद जय भारत। आपने मुझे बता दिया कि भारत।